सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। शक्ति की उपासना के पर्व के रूप में मनाए जाने वाले नवरात्र को लेकर लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ माता की आकर्षक मूर्तियों से बाजार सजे हैं, तो लोगों में भी दो साल कोरोना काल के बाद नवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए A1 टीवी की खास रिपोर्ट। शक्ति की उपासना के पर्व के रूप में शारदीय नवरात्र मनाए जाते हैं और इस नवरात्र के पर्व की धूम अब राजधानी जयपुर में भी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो है राजधानी जयपुर के अंदर बाजार सजने शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर से गुजरने वाले रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर मूर्तियों के बाजार लगने शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में जो खरीदार हैं वो आ रहे हैं और अब से कुछ ही दिनों बाद माताजी की मूर्तियों की स्थापना होना शुरू हो जाएंगी। लोग इस बार जो नवरात्रि का त्यौहार है वो बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि दो साल बाद इनको मौका मिल रहा है अच्छी और आकर्षक रंगों के साथ इन जो मूर्तियों को है वो सजाया गया है। कुछ खरीददार, कुछ कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार का जो नवरात्रि का त्यौहार है किस तरह से देखते हैं, दो साल बाद अपने को एक अच्छे अंदाज में मनाने का मौका मिल रहा है। नवरात्रि का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी इसकी मान्यता होती है, 9 दिन का, और कई लोग फास्ट भी करते हैं, कई बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें स्पेशली ये मूर्ति का हो है, मूर्ति की पूजा की जाती है। कई लोग इनका लास्ट टाइम विसर्जन भी करते हैं, सब लोग नहीं करते, कई लोग करते हैं, बाकी कलश स्थापना वगैरह होती है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे, मेनली यहाँ पे जयपुर में। कितना उत्साह आप देख रहे हैं क्योंकि पिछले दो बार से अपने को मनाने का मौका नहीं मिला था, इस बार आप क्या कुछ खास करने वाली है नवरात्र पे? मेन तो क्या है, सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, सोमवार को नवरात्र स्थापना है जिसमें कलश स्थापित किया जाएगा और उसके बाद भगवान माता रानी की पूजा की जाएगी, उसके बाद 9 दिन तक उनकी पूजा की जाएगी, बस लास्ट टाइम फिर कन्याओं को जिमाया जाता है, तो इसलिए काफ़ी खास है, मेरे लिए तो खास ही है यहाँ पे। कुछ और दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बार, उन दुकानदारों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं इस त्यौहार से क्योंकि ये जो नवरात्रि का जो त्यौहार है उसमें माता जी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, कुछ कारीगर हैं उनसे बात करेंगे। माता जी बताइए, इस बार आप ये मना रहे हैं, कितनी क्या बिक्री हो रही है? वही तो चार्ज लगाया हमने तो, पब्लिक आएगी ले जाएगी। कितनी कीमत की आप मूर्तियाँ बेच रहे हैं? 5,000 वाली है, 7,000 वाली है, 1,000 वाली भी है, 500 वाली भी है, 100 वाली भी है। तो जैसे कोरोना था पिछले दो बार से, इस बार कितनी बिक्री हो रही है? अभी गणेश चतुर्थी का भी त्यौहार था, गणेश जी की भी मूर्ति तो बहुत अच्छा हुआ हमारा। हमारा कर्जा कोरोना का उतर गया। अच्छा, और अब देखो माता, देखो क्या करती है। तो माता रानी से भी काफी उम्मीदें हैं? हमको तो बहुत उम्मीद है कि बिक जाएगी। अब ये वो कारीगर, ये वो मजदूर हैं जो पिछले दो बार से काफ़ी परेशान थे, लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी इनके लिए बहुत खास रहा, बहुत अच्छा कमाई वाला रहा, और इस बार ये जो नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है उसको लेकर भी काफ़ी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ A1 TV के लिए रमेश कुमावत।